भारत से एक किशोरी को बहला फुसलाकर तस्करी के लिए बांग्लादेश ले जाते समय रास्ते में ही हिल्ली थाने की पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त का नाम असीम कुमार तेली है, जो बांग्लादेश के नाटोर जिले का बासिंदा है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले असीम काम के तलाश में अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत आया था और दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में ही 6 महीने पहले असीम ने एक किशोरी से प्रेम संबंध स्थापित कर लिए थे और शादी करने का फैसला किया। 2 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। इतना ही नहीं, असीम ने अपना नाम बदलकर भारत में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी बनवा लिया था। रविवार को असीम अपनी पत्नी या ये यूँ कहें कि किशोरी को लेकर बांग्लादेश जाने के लिए दिल्ली से दक्षिण दिनाजपुर के हिल्ली बस स्टैंड पहुँचा था, लेकिन बांग्लादेश की सीमा में पहुँचने के पहले ही शक के आधार पर दोनों को हिल्ली थाने की पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जांच में पता चला है कि असीम तस्करी व देह व्यापार करने के लिए किशोरी के साथ शादी की थी और बांग्लादेश लेकर जा रहा था। पुलिस ने किशोरी को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया और सोमवार को किशोरी को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में पेश किया गया, जहां से चाइल्ड लाइन ने किशोरी को एनजीओ में भेजने का प्रबंध किया और साथ ही पुलिस और चाइल्ड लाइन मिलकर किशोरी के परिवार वालों के साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है। वहीं असीम को पुलिस ने सोमवार को दक्षिण दिनाजपुर जिला अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुट गई है। सास से मिलने आई थी। उधर क्या शादी किया तुमने? हाँ, जिसमें मैं शादी की दिल्ली से यहाँ पे आए हैं। किसके साथ शादी किया? अपने पति के साथ। पति के बाद छोड़ के आ जाओ। फिर मैं लव मैच की थी, हम चाहे मेरे रिलेशन में थे। नहीं, मुझे नंबर नहीं पता, मैं जांच में पति के पास चली जाऊँ। मेरे पति के साथ मुझे नंबर वापस भेज दो। पर मैं पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उनके साथ खुश हूँ। उधर तो चला था।